एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री राम इकबाल भारद्वाज पिछले दिन अपने स्वासा दी पूंजी नू खर्च दे हुए परमात्मा दे चरणा विच जा विराजे। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों जिना विच श्रीमती शांति देवी, कृष्णा देवी, नीलम पाठक, राकेश पाठक, तृप्ता शर्मा, एस के पुंज, मंजू शर्मा, सतिंदर शर्मा, राजेश भारद्वाज, मृदुला भारद्वाज, इशाता कौशल, विनीत कौशल, डॉक्टर निशाता स्वामी, डॉक्टर अरुणव स्वामी, सत्यम भारद्वाज अते उना दे समूह परिवार वल्लों हेवन व्यू रिजोर्ट तरनतारन रोड पट्टी विखे करवाया गया। श्री राम इकबाल भारद्वाज जी का जन्म पिता श्री मधुसूदन दास जी दे घर माता श्रीमती कुंदन देवी जी दी कुखों बरकी लाहौर विखे अप्रैल 1926 नु होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। अपनी सिक्ख्या पूरी करन उपरंत आप जी ने लाहौर विखे मिलिट्री विच सेवावां देनियां शुरू कर दित्तियां। आप जी अपने हर काम नू बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन। आप जी ने दूसरे विश्व युद्ध विच भी भाग लिया अते आप जी ने अपनी ड्यूटी नू बहुत ही तनदेही नाल कीता। भारतीय फौज विचों रिटायर होने उपरंत आप जी ने JBT दी एजुकेशन हासिल कीती अते बतौर अध्यापक DAV स्कूल पट्टी तो अपनियां सेवावां शुरू कीतियां। उपरंत आप जी गवर्नमेंट जॉब विच आ गए अते पौड़ी दर पौड़ी अगे वधदे चले गए अते बतौर BPEO ब्लाक पट्टी तो सेवा मुक्त हुए। श्रीमती शांति देवी जी हुणा नाल सन 1945 विच होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नू बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी कृष्णा देवी, नीलम, तृप्ता, मंजू अते बेटे राजेश ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नू खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दियां बेटियां आपो अपने सहुरे करी सुखी व्योता जीवन बतीत कर रही हैं अते आप जी दे बेटे राजेश भारद्वाज जी अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां उनां दे नाम नू चार चन्न लगा रहे हैं। राम इकबाल भारद्वाज जी नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों आप जी दे दामाद श्री दविंदर कुमार जी आप जी नूं विछोड़ा दे गए, पर फिर भी आप जी ने हिम्मत ना हारी अते परमात्मा दा भाणा मनदे होए ए सब कुछ स्वीकार कीता। श्री राम इकबाल जी अनुशासन दे बड़े ही परपक इंसान सन। आप जी सरहदी खेतर पट्टी नूं विद्या दे पक्खों उचेरे स्थान ते पहुंचाउणा चाहुंदे सन, जिस करके आप जी ने पट्टी विखे सन 1974 विच एक स्कूल दी स्थापना कीती अते इस स्कूल नू आप जी बहुत ही अगे लेके गए। सन 1986 विच पट्टी विखे आप जी ने फार्मेसी कॉलेज शुरू कीता। इस उपरंत आप जी ने सन 1992 विच पंजाब विच पहला प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू कीता। आप जी वल्लों शुरू कीते गए प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजां कारण पंजाब विच टेक्निकल एजुकेशन विच क्रांति आई। इसे लई आप जी नूं टेक्निकल एजुकेशन पंजाब दा मोढी भी मन्निया जांदा है। आप जी ने पंजाब तों बाहर भी विद्यक संस्थावां खोलियां। अपनियां चंगियां सेवावां देण बदले आप जी नूं उस समय पंजाब दे मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों अचीवर अवार्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया नाल सन्मानित भी कीता गया। प्रभु चरणों में विलीन हो गए। समाज के लिए शिक्षा जैसा एक सुंदर वरदान, अमूल्य वरदान। जिथे आप जी ने सामाजिक क्षेत्र विच अपने पट्टी नू बहुत ही उच्चा चुकिया उथे ही आप जी ने धार्मिक खेतर विच भी बहुत योगदान पाया। आप जी ने हरिहर रोही मंदिर पट्टी विखे एक लंगर हाल दा निर्माण करवाया।
दी यंग मैन रामा कृष्णा क्लब विखे श्री राम भवन का निर्माण, श्री राम इकबाल गीता मंदिर का निर्माण, श्री सत्य साई मंदिर मंडी विखे भी आप जी ने निर्माण कार्य करवाए। इस तों इलावा आप जी ने अनेक बच्चों नू एजुकेशन दिवाई। आप जी गरीब अते बेसहारा बच्चों दे हमेशा ही हमदर्द रहे। पट्टी नू फिरोजपुर नाल जोड़न वाले पुल दी मांग भी बहु राम इकबाल जी वल्लों ही रखी गई, जिस सदका आदेश प्रताप सिंह कैरो ने आप जी दी मांग नू मन्या। मौजूदा समय विच आप जी दे बेटे श्री राजेश भारद्वाज जी अते आप जी दे पोतरे सत्यम भारद्वाज जी शहीद भगत सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अते सत्यम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जिस दे अनेकां कॉलेज हैं अते जिथे अनेकां विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस तों इलावा श्री राम इकबाल भारद्वाज जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन, जो कोई भी आप जी नाल एक बार गल कर लेंदा ता आप जी दा ही होके रह जांदा सी। आप जी ने हरेक वर्ग दे हित लई हमेशा ही काम कीते अते मौजूदा समय विच आप जी दे इन्ना नक्शे कदमां ते आप जी दे बेटे राजेश भारद्वाज जी अते आप जी दे पोतरे सत्यम भारद्वाज चल रहे हैं, जो अपने पिता जी अते अपने दादा जी दे नाम नू चार चन लगा रहे हैं। ओ सच्चे सर जिन्हां ने इस इलाके नू विद्या दे खेतर विच बहुत उपर तक लैके गए, जिवें कह दिंदे ने कि सब तो वड्डा दान विद्या दा दान, भुखे दा ढिड भरदा उहदे नाल वी वड्डा दान विद्या दा, ते ओ दान बहुत राम इकबाल जी ने इलाके में दिता। इन्होंने धार्मिक संस्थावां की बहुत सेवा की, मनुखता की हर थान उत्ते साथ दिता। इन्हां भी यह कह के अपन कोशिश करिए कि शायद भाव जी को आप सही तरह उन्होंने जिंदगी दिया मेहनत प्यार संस्कार जो उन्होंने किया थोड़ा है इन्ने लंबे सफर के बीच इन्होंने कभी यह नहीं किया कि मैं हम नहीं काम कर सकता या मैं थक गया। मैं अखीरले दिनों से बाबू जी को मिलन गया तो इन्हों का दिमाग बुद्धि सोच सुझाव उही सी जिमें अज तो 40-45 साल पहला जो तो मैं बाबू जी को मिलता। सन 1999 महाशिवरात्रि न 2 दिन रह गए थे, 2-3 दिन बाबू जी आए और बरसात होने लग गई। मैं क्या बाबू जी, बाबू जी कह मैं ये की मैं क्या राम बरस रहे हैं राजस्थान के बीच जो बरसात होती है वो कहते कि राम बरस रहे ते बाबा जी ये फिर जी संगत आएगी ये बर्दाश्त इस तरह ही नहीं तो किस तरह। तो मैं राम जी करके ही उन्होंने बुलाता हूँ सी, मैं क्या राम जो है बरस रहे हैं और राम जी की जान गए तो ये छाया भी हो जाएगी। उन्होंने संकल्प लिया शिवरात्रि के बाद महाराज जी ये हाल का निर्माण किया जाएगा और वो किया उन्होंने। उस वे जो लोग अपना कारोबार लैके दूर दरेडे शहरों में वस रहे सन तो बाबू जी ने एजुकेशन के खेत्र में जिड़ी बड़ी मलांग होती है जिड़ा बड़ा रोल अदा किया है, मैं समझता कि पीढ़िया तक घूमने वाली गल है। जो पैसे कमाने की गल होती तो किसी बड़े शहर में जाके नहीं कारोबार कर सकते। बहुत सारे लोगों ने दूर दरेडे जाके यूनिवर्सिटियां बनाईया, बड़े बड़े कॉलेज स्थापित किए, पर पट्टी जिते स्कूल भी सी चलता उत्थे इंजीनियरिंग कॉलेज उत्थे एजुकेशन कॉलेज एहो जे वड्डे मारे के सानू सारिआं नूं माण महसूस होंदा है कि जे शख्सियत ने अज पट्टी का नाम एजुकेशन के खेत्र में रोशन किया है। जिहड़े आखिरी सवासां तक चिंतित सन कि कितें एजुकेशन नूं ढाह ना लग जाए
अभी उन्होंने तुर जाने बेशक गुरबाणी कहते राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वाली आपको अपनी कोई ना बंदे दीर पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हों के जान तो वहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बेशक उपराना सारे ने भुल जाना पर वो जरा वैक्यूम बाबू जी ने जान ना पैदा होया वो वैक्यूम पूरा नहीं हो सकता सारे वक्तावान ने बाबू जी दिया गुणा बारे देव बारे कंट्रीब्यूशन बारे खूबियां बारे जिक्र किया है खबर सुनकर मरने की वो बोले रकीबों से खबर सुनकर मरने की वो बोले रकीबों से खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले